बात करेंगे मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके की, जहां दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ता हुआ देख जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मीरा भाईंदर इलाके का दौरा किया। इस दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिवसेना के सांसद डॉक्टर राजन विचारे, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, अपक्ष विधायक गीता जैन और महापौर ज्योत्सना हसनाले मौजूद रही। यह बैठक मीरा भाईंदर के मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ के साथ हुई, जिसमें कोरोना मरीजों की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों की समीक्षा की गई और इन शिकायतों को दूर कर लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा हुई। आपको बता दें, कोविड 19 सेंटर से जो शिकायतें सामने आ रही हैं वो साफ सफाई, समय पर खाना ना मिलना, ऑक्सीजन की कमी, बेड की असुविधा और ICU बेड बढ़ाने से संदर्भित थी, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार की ओर से मीरा भाईंदर के लिए 10 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई। इसके साथ ही मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए करीब 1,10,000 रैपिड एंटीजन किट दी गई है और जरूरत पड़ने पर सरकार द्वारा अतिरिक्त किट मुहैया करवाने की बात जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कही। आपको बता दें कि पिछले महीने लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को काबू कर पाने में मीरा भाईंदर महानगर पालिका नाकाम साबित हुई, तो आनंद फानंद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर चंद्रकांत डांगे का तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर बतौर नए आयुक्त के रूप में डॉक्टर विजय राठौड़ की नियुक्ति कर दी गई। इस दौरान ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़ को यह भी निर्देश दिया कि जिस प्रकार से निजी अस्पतालों द्वारा कोविड के नाम पर मरीजों के साथ लूट मची हुई है, उसे तत्काल रोका जाए और जो अस्पताल इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये ऐसा पहला मौका जब जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पूरे लाव लश्कर के साथ मीरा भाईंदर क्षेत्र में पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और जितने भी मामले हैं उनकी गहनता से समीक्षा की। साथ ही मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ को जो दिशा निर्देश दिए हैं वो इस बात को तस्दीक करते हैं कि वाकई मरीजों के साथ निजी अस्पतालों में लूट मची हुई है। इसका खामियाजा न सिर्फ संक्रमित बल्कि उसके परिजन भी भुगत रहे हैं। कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी देखील बैठक घेतली होती आणि त्याचा आढावा पुन्हा एकदा आज घेतलेला आहे। ज्या ज्या काही उपाययोजना केलेल्या आहेत, कोविड सेंटर असेल, त्याचबरोबर ऑक्सिजन बेड असेल, ICU बेड आहेत, एक ॲम्ब्युलन्स आहेत, या सगळ्याचा औषधांचा सगळ्या ज्या काही फॅसिलिटीज आपल्याला या रुग्णांना द्यायच्या आहेत या संदर्भातल्या, किंबहुना कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग असेल, टेस्टिंग आहे, अँटीजेन टेस्टिंग आहे, RT-PCR टेस्टिंग आहे, या सर्वाचाच आढावा या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि एकंदरीत डिस्चार्ज रेट जो आहे हा या ठिकाणी 73% आहे, तो अतिशय चांगला आहे। त्याचबरोबर डेथ रेट कमी करण्याच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या, त्याचबरोबर सर्विलन्स असेल, त्यामध्ये टेस्टिंग असेल आणि एकंदरीत 1:10 म्हणजे एक पेशंटच्या मागे 10 लोकांना आपण जर जसं चेस द व्हायरस ही जी काही कन्सेप्ट आहे ती आपण या ठिकाणी राबवत आहे, त्यामध्ये आणखी वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। त्यामुळे जी जम्बो फॅसिलिटी आहे त्या काही ठिकाणी आपण उभ्या करतो आहे, परंतु यानंतर देखील ॲडिशनल जे काही करावं लागेल तशा देखील सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे एकंदरीत डिस्चार्ज रेट वाढवणं, डेथ रेट कमी करणं या सर्वांच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी आढावा घेतलेला आहे आणि क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जे रुग्ण आहेत त्यांना वेळच्या वेळी चांगल्या दर्जाचं जेवण मिळालं पाहिजे, त्याचबरोबर वेळेवर औषधं मिळाली पाहिजेत।